पेशावर में इंसदादे पोलियो की कामयाब मुहिम के बाद भी बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का सिलसिला जारी है। वालिदैन बच्चों को अस्पतालों में इंसदादे पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। इस बारे में मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जिशान काका खेल से। जी जिशान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सूबे में इंसदाद पोलियो मुहिम तो ख़त्म हो चुकी है और 4 तारीख को ये मुहिम जो है मुकम्मल हो चुकी है और जो टारगेट मुकर्रर किया गया था 65 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का वो भी अचीव हो चुका है, लेकिन अब भी जो है ये सिलसिला जारी है और 6 रोज़ हो गए हैं कि ये जो रूटीन की इम्यूनाइजेशन है उसका सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ अस्पतालों में बेचूज में बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जा रहे हैं और इस जो कतरे हैं ये आम रूटीन की इम्यूनाइजेशन है। जो गाइडलाइन दी गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से उसको उस पर अमल दरामद करते हुए बाकायदा तौर पर जो है हिफाजती कतरे पिलाए जा रहे हैं और ये वो बच्चे हैं जो दौरान मुहिम रह गए थे किसी भी वजह से, तो अब उनको जो है ये दोबारा कतरे पिलाए जा रहे हैं और जगह जगह उनके लिए हिफाजती इकदाम किए गए हैं। पोलियो हुकाम है उनके मुताबिक वालदेन भी भरपूर तावन कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ अस्पतालों में बेचूज़ में यह सिलसिला जारी है और जो बच्चे हैं पैदाइश से कर 24 माह तक उनको बाकायदा तौर पर यह हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं और उनको जो है ये मुस्तकिल मजदूरी से बचाने का जो है बचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जी।